व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपना काम आप लोगों को अपने आप ही करना पड़ेगा। अगर सुबह को मुझे उठना है तो मुझे अपने आप को खुद ही समझाना पड़ेगा कि भैया टाइम पर उठना है, तभी टाइम पर न्यूज़पेपर लेकर आ पाओगे। तो ये सारी चीजें मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं, मुझे कोई आकर उठाता नहीं है। आप लोगों को अगर उठना है, आप लोग अपना काम करना है, अगर एक्सरसाइज करनी है जिसको आप लोग बहुत काफी लंबे समय से डिले कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप लोगों को अपने आप स्वयं करने पड़ेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई और एक्सरसाइज करे और आप लोगों की बॉडी फिट हो जाए, तो ये ना तो पॉसिबल हुआ है और ना ही कभी फ्यूचर में होने वाला है। कोई दूसरा विटामिन प्रोटीन लो और आपकी बॉडी में लग जाए, तो देखिए ऐसा भी सिर्फ कहानियों में होता है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को पुश कर आप लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, और तभी आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि देखिए हर एक चीज का क्या मजा है। मॉर्निंग में उठकर अपने काम को करने का मजा ही कुछ और है, एक्सरसाइज कर पूरे दिन को एक्टिव रखने का मजा ही कुछ और है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को थ्योरेटिकली बताई जाएंगी तो अंडरस्टैंड आप लोग नहीं करेंगे, पर लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील कि क्या चेंज आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर कुछ बोलता हूं तो थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देखिए, आप लोग अपने आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या अहमियत है इन सब चीजों की। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं आप लोग की लाइफ को चेंज कर रख देंगे अगर आप लोग इनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यह स्वीडन जाकर मैप पे नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, आइए इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका में अभी ईस्टर के मौके पर यहाँ पर एक ब्लास्ट देखने को मिला, कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई। ये माना जा रहा है कि जो LTTE की वार चल रही थी, यहाँ पर सिविल वॉर जिसको बोला गया, एंड हुई थी 2009 में, उसके बाद में सबसे बड़ा ये अटैक यहाँ पर माना जा रहा है जिसमें इतने लोगों की जान गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, हमारी कंट्री में यूनिसेफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया है कि 45,000 जो महिला है वो एवरी ईयर यहाँ पर इनकी जान जाती है, और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर ये है, ये जो जान जाती है ये है अनसेफ अबोर्शन। तो अबोर्शन जो अनसेफ कराया जाता है उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की जान जाती है, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये बोलता है कि 20 हफ्तों से नीचे की जो प्रेगनेंसी है वो आप लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर टर्मिनेट करनी है तो आप लोग यहाँ पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि वहां से जाकर आप लोगों को क्लियर कराना पड़ेगा। हालांकि उसको चेंज करने की बात कई बार की जाती है। अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में लॉ के बारे में, तो डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई और एडल्ट्री को रिसेंटली अभी, और इसी के साथ में जो नवतेज जोहर जजमेंट है, इसने जो सेक्शन 377 है उसको भी यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इसकी वजह से हर एक पर्सन के पास में अब राइट टू सेक्चुअल ऑटोनॉमी है, यानी कि हर पर्सन खुद डिसाइड कर सकता है किस पर्सन के साथ में उसको जाना है और किस पर्सन के साथ में उसको रहना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट और आप लोगों को याद रखना ही है, केस पुट्टा स्वामी केस। ये वही जजमेंट है जिसके बेस पर हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया प्राइवेसी को, पार्ट थर्ड के अंदर यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो उसमें फंडामेंटल राइट इंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल 21 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता रखना है। इसी के साथ में जो बात की जा रही है, मार्च 27 में हमारी कंट्री में एंटी सैटेलाइट जिसको ASAT बोलते हैं, ये लॉन्च किया गया उड़ीसा से, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट था उसको मार गिराया, और ये एक तरीके से डिटरेंस क्रिएट करने की बात की जा रही थी, तो वो तमाम आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसरो के द्वारा जो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 1975 में, इसी के साथ में 2013 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको हम लोग मंगलयान बोलते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री थी जो बिना फेल हुए इस मिशन को अचीव कर पाई, वरना बड़ी बड़ी कंट्री भी फेल हुई यहाँ पर, जो कि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री का था। आइए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से, दोनों के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अरब स्प्रिंग में, अरब स्प्रिंग के बारे में। अभी आप लोग यहाँ पर सूडान के अंदर और अल्जीरिया के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो बोला जा रहा है कि जो पास्ट में ट्यूनिशिया और इजिप्ट के अंदर जो चेंज हुए थे उसके पैटर्न पर यहाँ पर ये चलते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हल्का सा नजर इस आर्टिकल के ऊपर डालेंगे। डेटा की वजह से हमारी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, डेटा न होने की वजह से जो हमारी कंट्री में जो GDP की ग्रोथ निकल कर आ रही है वो भी एक तरीके से फेक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बता रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हम लोगों ने पब्लिश करना बंद कर दिया है। तो वो सब डेटा जो आज के दिन में पब्लिश होने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने काफी डेटा यहाँ पर बंद कर दिए हैं। तो क्या क्या बातें निकल कर आ रही है आर्टिकल के ऊपर अच्छे से नजर डालेंगे।
नेक्स्ट ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ईरान और यहां पर यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करता है, तो इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ईरान के साथ में रिलेशन खट्टे में डालता है इंडिया और यूएसए के साथ में जाकर मिलते हैं, और तमाम मुद्दे यहां पर जो भी डायमेंशन है सारी यहां पर इंक्लूड करके चलूंगा। इलेक्शन के बारे में पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है, तो नजर डालेंगे यहां पर क्या क्या बातें हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हालांकि आर्टिकल को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है क्योंकि जो आर्टिकल यहां पर ऑस्ट्रेलियन साइड से लिखा गया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एक आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में जिक्र किया गया है, उसके बारे में आप लोगों से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में फिर से कुछ पॉलिटिक्स इंक्लूड की गई है, तो तमाम वही सारे मुद्दे घुमा फिरा कर आते हैं जो कि लंबे समय से चले हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान का एक एजेंडा है जो स्टेट का उसके खुद की मिलिट्री का एजेंडा है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट अपनी कंट्री में पनपते रहने चाहिए। अगर उनकी कंट्री में एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं पनपेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जो उनके अस्तित्व है वो पिक्चर में ढंग से बना नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आज तक का यहां पर एक पैटर्न चला हुआ आ रहा है कि हाँ इंडिया को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना है। इसीलिए बार बार जितनी भी वॉर हुई है यहां पर इंडिया के खिलाफ, कोई भी इंडिया ने स्टार्ट नहीं किया, सारी पाकिस्तान की साइड से स्टार्ट की गई है। बार बार अटैक किए जा रहे हैं, पुलवामा अटैक अभी रिसेंटली देखने को मिला, उरी अटैक पास्ट में आप लोग देखते हैं, तो ये जो अटैक किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपना वजूद बनाने के लिए ये इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा की जाती है अपनी खुद की कंट्री में। वरना लोग ये कहेंगे कि वहां इंडिया इतना आगे निकल गया और हम इतने पीछे रह गए, वो तमाम मुद्दे इस तरीके से। तो पॉलिटिकल कई सारे मुद्दे हैं, और आप लोगों को बताया अभी यहां पर ट्रेड जो है वो बंद कर दिया गया है LOC में इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके बीच में। हालांकि ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से गलत सॉल्यूशन है, इस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी फायदा हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में, रिलेशन नॉर्मल करने की बात की जाती है, पर लेकिन हमारी कंट्री के ऊपर उससे कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी कंट्री में एक तरीके से करेंसी जो है वो झूठी करेंसी हमारी कंट्री में लाई जाती है, फेक करेंसी, इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो उल्टी सीधी दवाइयां लाई जाती हैं वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग कई बार उनके थ्रू हो जाती है हमारी कंट्री में, तो उन मुद्दे को ध्यान में रखकर हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है वो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी साइड में यहां पर पाकिस्तान को किस तरीके से टैकल करना है, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि उनका एक प्रॉपर एक पैटर्न चला हुआ आता है कि हाँ एंटी इंडिया सेंटीमेंट उनको पनपते रहने चाहिए, तो वही तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि इंडिया फ्यूचर में कोई भी अपना मिशन लॉन्च करने वाला है, जैसे मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, तो पहले हम लोगों ने जाना कि किस कंट्री ने कैसे कैसे मिशन लॉन्च कर रखे हैं और हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब गगनयान मिशन की बात की जा रही है, यानी कि गगनयान मिशन भी यहां पर जिस तरीके से यूएसए ने अपना मिशन लॉन्च किया था, इसी तरीके से अलग अलग कंट्री ने, रशिया ने अपना लॉन्च किया, तो उनसे सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बात यहां पर की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस इतना आप लोगों को बताना चाहिए हमारी कंट्री में गगनयान मिशन लॉन्च करना है, बाकी यूएसए में कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं वहां क्या, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनसे सीख सकते हैं, बस ये है कि दूसरों की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, वे कितनी बार फेल हुए हैं, वो कहां कहां पर फेल हुए हैं, हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग फेल ना हो, उस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और यही एक पैटर्न होना चाहिए आगे बढ़ने का। तो ये मुद्दा यहां पर काफी एक तरीके से सीखने वाला होता है कि हाँ दूसरे ने क्या गलती कर दी है जो हम लोग न करें और कैसे हम लोग फास्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। जो गगनयान है हमारी कंट्री का, ये स्पेस मिशन है जिसमें हम लोग स्पेस में अपनी कंट्री में 3 सिटीजन को भेजने की बात करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं आने वाले टाइम में। ये यहां पर डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये आर्टिकल है इंडिया, यूएसए और ईरान के बारे में। आप लोगों को पता है कि यूएसए का जो एटीट्यूड है वो ईरान को लेकर काफी चेंज हो रहा है, तो उस एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए क्या क्या यहां पर कंसर्न हो सकते हैं इंडिया और जो यूएसए के बीच में क्या रिलेशन चेंज हो सकते हैं, इंडिया और ईरान के बीच में क्या रिलेशन चेंज हो सकते हैं, टोटल डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा, तो ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा जैसे जैसे आर्टिकल आगे बढ़ेगा। अभी रिसेंटली क्या बात निकल कर आई है, आप लोगों को पता होगा कि जब यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकला तो उसने ये बोला कि ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलते ही हम लोग ईरान पे सैंक्शन लगाएंगे, और ईरान पे सैंक्शन लगाएंगे और उन कंट्री पर भी सैंक्शन लगाएंगे जो ईरान के साथ में व्यापार रखेगा। हालांकि स्टार्टिंग में बड़ी ही दमदार स्टेटमेंट इंडिया की साइड से आई, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा भी ये बोला गया कि हम तो बस यूएन के बारे में सुनते हैं, यूएन की स्टेटमेंट आएगी तो हम लोग सुनेंगे, हम इंडिविजुअल किसी कंट्री की स्टेटमेंट ऐसे नहीं मानेंगे। आगे थोड़ा बढ़े तो यहां पर प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोली गई, खासकर सपोर्ट दिया गया ईरान को, और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये बोला गया कि भैया हम आपके साथ में हैं और आने वाले टाइम में जो ऑयल इंपोर्ट है हम लोग वो और बढ़ाने वाले हैं। पर लेकिन ये सारे वादे झूठे निकले, और अब यूएसए की जो टाइम लिमिट है जो 180 डेज यानी कि 180 दिन की यहां पर दी गई थी या फिर 6 महीने की, आप लोग बोलिए, 8 कंट्रीज को जिनमें से इंडिया और चाइना भी एक था,
तो वो अभी लिमिट 2 मई को खत्म होने वाली है। अब 2 मई को खत्म होने के बाद में वो लिमिट इंडिया कैसे टैकल करेगा, क्योंकि आज की डेट में ईरान से हम लोग लगभग 10% अपना ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काफी हम लोग घटा चुके हैं पास्ट टाइम में, अगर देखेंगे आने वाले टाइम में कैसे इसको टैकल करके चलेंगे तो ये भी एक काफी देखने वाला मुद्दा होगा। तो यूएसए आज की डेट में तो ये बोल रहा है कि जीरो कर दो बिल्कुल यहां पर ऑयल इंपोर्ट करना ईरान से, और इसी के साथ में एक्सटर्नल मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी वो भी हमने आप लोगों को अभी बताई थी। अब बात है देखने वाली यहां पर ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री दोनों ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर 10% यहां से कम आएगा तो हमारी कंट्री में तेल की कमी होगी, हमारी कंट्री में जो अगर क्रूड ऑयल की कमी होगी तो फिर हमारी कंट्री में और ज्यादा प्राइस यहां पर बढ़ेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यूएसए अपने सींग निकालने स्टार्ट कर देगा। क्या क्या सींग निकाल रहे हैं यहां पर, सबसे पहले बात कर रहा है कि यहां पर वो जो है अलग अलग तरीके से यहां पर प्रेस करेगा इंडिया को। अगर ईरान के साथ में यहां पर इस तरीके से काम चलता रहेगा तो बोलेगा कि डॉलर यूज नहीं करना है, क्योंकि डॉलर यूएसए की करेंसी है, ठीक है। इसी के साथ में दूसरी बात यहां पर यह स्विफ्ट, ये एक तरीके से बोला जाता है SWIFT, ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या जिस भी ट्रांजेक्शन को आप लोग बैंकिंग थ्रू या दूसरे मीडियम के थ्रू किसी कंट्री से कुछ सामान खरीदने के लिए कोई ऐसा व्यापार आप लोग करते हैं तो ये भी काफी हद तक यहाँ पर एक तरीके से यूएसए कंट्रोल में काम करता है। तो उसको भी बोल रहा है कि यहाँ पर इससे भी आउट करने की कोशिश की जाएगी चीजों को, डॉलर को फ्रीज कर दिया जाएगा और यूएस की जो एसेट्स है उनको भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि हर तरीके से यूएसए ये कोशिश करेगा कि कैसे शाम दाम दंड भेद से इंडिया को कंट्रोल करना है, और इसी के चलते देखिए दोनों तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इंडियन की बात करें तो हमारी कंट्री इंपोर्ट करती है अलग अलग कंट्री से क्रूड ऑयल, जैसे कि हो गया अभी बात करें ईरान की या फिर इराक, सऊदी अरेबिया, तो अगर ईरान से यहाँ पर हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर उस जो भी कमी वो आएगी उस कमी को हम लोग कैसे पूरा कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है, अगर कंटिन्यू हम लोग रखेंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर यूएसए की साइड से आएगा कि वो हम लोगों को वहां पर फायदा ही नहीं रहेगा वहां से उनसे खरीदना, यानी कि इतना महंगा वो हम लोगों को पड़ जाएगा इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए रिजल्ट जो आने वाला है, अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से हमारी कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो स्टेप यहां पर उठाना चाहिए। अगर बात करें 6 महीने की बात की, जो कि नवंबर 2018 से मई 2019 तक की बात की जाए, तो यूएसए ने जो सैंक्शन लगाए थे कि ईरान से इंपोर्ट नहीं करना है और एग्जेम्प्ट किया गया था, उस टाइम पर चाबहार को भी एग्जेम्प्ट किया गया था, तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहां पर ये दलीलें दी जा रही हैं कि हमारी और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है उसकी वजह से ही हम लोग को ये छूट मिली है। छूट तो भैया चाइना को भी मिली थी, उनके भी क्या यूएसए के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है, और भी कई सारी कंट्री को छूट मिली थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोल सकते। जो कमेंट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो कन्विंसिंग कमेंट नहीं है। क्या 6 महीने का इतना लंबा वो हो गया कि आप लोग यहां पर 6 महीने के बदले ये बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिया और 6 महीने के बाद अब देखते हैं क्या करना है। तो यूएसए क्या कर रहा है, वो तो अपना काम करते जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये बोला था कि यूनिलैटरल डिसीजन पर फोकस नहीं करेंगे, यूएन के फोकस पर ओनली डिसीजन करेंगे, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही स्टेप यहां पर आया तो यहां पर जो हमारी कंट्री गवर्नमेंट है वो सोचने लगी कि कैसे ईरान से हम लोग ऑयल इंपोर्ट को कम करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी में ये बोला था जब हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की विजिट पर थे, तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि हम और ज्यादा लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करेंगे ऑयल ईरान से, और उस टाइम पर यहां पर देखने को मिला कि हाँ काफी अच्छी बातें बोली गई कि हाँ चाबहार पोर्ट को ऐसे डेवलप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन अब फिर से बात वही आ रही है कि क्या हम लोग यहां पर अपने रिलेशन ईरान के साथ में खराब कर लेंगे यूएसए को ध्यान में रखते हुए। तो ऑलरेडी $70 पर बैरल यहां पर अप्रैल में पहुंच चुका है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब देखिए एक बात यह है, ईरान भी बेवकूफ तो है नहीं, ईरान देखेगा कि इंडिया हमसे ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग चाबहार पोर्ट की बात करते हैं बार बार, जो कि एक ऐसा लोता पोर्ट है जो हम लोग अपनी कंट्री से बाहर हमारे द्वारा डेवलप किया गया और उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो कल को चलकर वो बोलेगा भैया इसका कुछ पार्ट मुझे रशिया को देना है, कुछ पार्ट हमको पाकिस्तान को देना है, कुछ पार्ट चाइना को देना है, तो वो भी क्यों, जब अब आप लोग उसके फायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो आप लोगों के फायदे में क्यों सोचे, तो ये सोचने वाली बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है, उसको शटडाउन करने की बात कर रहा है ईरान। लोकेशन एक बार देख लीजिए क्या है पर्टिकुलर एरिया, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसको शटडाउन कर दिया तो यूएई के साथ में इंपोर्ट यहां पर काफी बंद हो जाएगा इसको शटडाउन करने से, कतर के साथ में हम लोग कैसे अपना व्यापार कर पाएंगे। एक तरीके से ये काम कर रहा है गल्फ ऑफ ओमन को और पर्शियन गल्फ को कटआउट करने की बात कर रहा है यहां पर ईरान, अगर यहां पर ऐसी हरकतें की गई तो। ये और ऑयल तो इंपोर्ट अपनी जगह, दूसरे कई सारे इंपोर्ट को भी ये खतरे में डाल देगा, जो कि हम लोग को सोचकर समझकर चलना चाहिए। आइए पहले एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि स्विफ्ट क्या होता है। इसको बोलते हैं यहां पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जो है यहां पर एक तरीका इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहां पर मैनेज किया जाता है सिक्योर ट्रांजेक्शन, ताकि आसानी से ट्रांजेक्शन किया जा सके।
किसी के बीच में भी, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बैंक के बीच में, कस्टमर के बीच में, पेंशन फंड ट्रांसफर, ये सारी चीजें, तो इन सब जगह यहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ये तमाम मुद्दे भी आप लोगों को बैकग्राउंड में माइंड में रखने हैं अगर आप लोग रियलिटी में ढंग से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि सिचुएशन आखिर एक्चुअल में है क्या। दूसरी बात यहां पर यह है, अगर ये सिचुएशन यहां पर ऐसी बनी, स्टेट ऑफ फार्मर्स को कंट्रोल करने की बात की गई, तो और कई सारी कमोडिटी भी यहां पर महंगी हो जाएंगी, उनका प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरी साइड में अगर देखें, चाबार पोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, ईरान चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, इंडिया चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर। तो अगर यहां पर चाबार पोर्ट के, इंडिया के और ईरान के रिलेशन खट्टे होते हैं, तो सेंट्रल एशिया में इस चाबार पोर्ट जो यहां के डेवलप किया जा रहा है ईरान के अंदर, इसके थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं, सेंट्रल एशिया में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ईरान से होते हुए हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में भी हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में काफी अच्छे से रिलेशन मेंटेन रहते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो एरिया है यहां पर हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं। चाबार पोर्ट के थ्रू ही हम लोग एक नई कनेक्टिविटी खोजने की कोशिश कर रहे थे, पर लेकिन जैसे यहां पर सिचुएशन बन रही है, ईरान आखिर क्यों सपोर्ट करेगा हमको जब हम लोग किसी दूसरी कंट्री के चलते, और वो भी एक ऐसी कंट्री के चलते हैं जिसमें ईरान की कोई गलती नहीं है। ईरान की कोई गलती क्यों नहीं है, क्योंकि जब P5+1 के द्वारा ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, तो यूएसए ने सबसे ज्यादा यहां पर प्रेशर डाला था, जबकि बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में आए, अकेले बाहर निकल गए और बाकी के 5 से पूछा भी नहीं। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर गई, और यह भी बोला गया इवन यूएसए के डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ईरान उसको फॉलो कर चल रहा है, ईरान उसको कोई भी वायलेशन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी यूएसए बाहर निकल गया, तो ईरान की गलती क्या है? बिना गलती के आप लोग उसको पनिश कर रहे हो, तो गुस्सा तो सामने वाले को आएगा ही आएगा। तो ये बात हो गई यहां पर कि सेंट्रल एशिया में अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो कैसे आप लोग उसको सिचुएशन को हैंडल करोगे, फिर कैसे अल्टरनेटिव रूट आप लोग ऐसे देखकर चलोगे। तो लार्ज पिक्चर ये आती है कि क्या यहां पर ट्रेडिशनल टाई इंडिया खराब करने के लिए तैयार है, जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के जो इस तरीके के बदमाशी भरे ये जो बिहेवियर है, इसको देखते हुए क्या आप लोग यहां पर ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए तैयार हैं, यानी कि एक पुराने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार है, एक नया रवैया जो क्रिएट कर दिया गया यूएसए के द्वारा उसको। तो देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये होनी चाहिए थी जब यहां पर 6 महीने मिले या फिर उससे पहले इंडिया को यहां पर चाइना, यूरोपियन यूनियन और दूसरी कंट्री के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म खोजनी चाहिए थी कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसा होगा ही होगा, तो उसका सोल्यूशन क्या निकालना है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर यहां पर होनी चाहिए ताकि एक ऐसा रूट खोज लिया जाए जो कि यूएसए से इंपैक्ट ही ना पड़े हमारी कंट्री के ऊपर या फिर दूसरे सिस्टम के ऊपर। कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऐसी खोलनी चाहिए कि पेमेंट कैसे करना है या दूसरे रास्ते कैसे निकालने हैं, पर लेकिन हम लोगों ने वो टाइम वैसे ही गवा दिया। अब देखने वाली बात ये इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि यूएसए में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 2 मई के बाद में अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखेगी तो फिर वो उसको हैंडल करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे हैंडल की जाती है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, एक नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम याद रखते हैं, AUSI, ये है AUSINDEX, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, INDE से हो गया इंडिया एक्सरसाइज। तो कैसी एक्सरसाइज है यहां पर, ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की जा रही है कि फिलहाल रिसेंटली इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बढ़े हैं, यानी कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ही हो गए यहां पर, ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया हमारी कंट्री, दोनों को कंपेयर करके आप लोग देखते हैं तो जो हमारे रिलेशन अभी रिसेंटली बढ़े हैं वो काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, यानी कि जो रिलेशन जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो और भी अच्छे डायरेक्शन में बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, और सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ओशन में है दोनों कंट्री, तो उसकी सिक्योरिटी की भी और किस तरीके से उसको अच्छे से जनता के लिए, ट्रेड के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में रिसेंटली ये अभी एक्सरसाइज देखने को मिली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा यहां पर टैकल की गई। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, नेवल कमांड की बात करें तो 3 नेवल कमांड है, एक वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि विशाखापत्तनम में है, और सदर्न नेवल कमांड जो कि कोच्चि में है। ये हो गई महाराष्ट्र में, ये हो गई आंध्र प्रदेश में, और ये हो गई केरला के अंदर। देखिए ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है हमारी कंट्री का यही पानी के अंदर है, तो इसी के चलते आप लोग यहां पर इसकी बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर हो गया ये मुंबई के अंदर हो गई, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के, और ये कोच्चि के अंदर हो गई, तो इस तरीके से यहां पर इनको वेस्ट साइड में हो गई, ठीक है, यहां पर ये इस साइड में हो गई और ये सदर्न साइड में हो गई, तो इस तरीके से इनके नाम यहां पर रखे गए हैं। वरना अगर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की वैसे हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ तो यहां पर हो गया, वेस्ट हम लोग इस पोर्शन को बोलते हैं, पर लेकिन ये पानी के अंदर जो हमारे 9 राज्य जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं उनकी बात नॉर्मली देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन जो सदर्न इंडिया है उसके बेस पर यहां पर हम लोग इसको काउंट करके चल रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट और सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे भी कंफ्यूजन था, मैंने कहा यार वेस्टर्न तो ऊपर होगा कहीं, ये नीचे मुंबई में वेस्टर्न कहां से कर दिया इन्होंने, जबकि वैसे हम लोग सदर्न पार्ट बोलते हैं, तो इस तरीके से कोई
कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ये कहां पर देखने को मिला, ईस्टर्न नेवल कमांड में देखने को मिला। तो ये जो यहां पर फंडा निकल कर आया, तो अभी आने वाले टाइम में और भी हाई लेवल पर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंटी सबमरीन वारफेयर यहां पर देखने को मिला जो कि फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर कल को कोई हमारी कंट्री पे जो पनडुब्बी हैं उनके थ्रू अटैक करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो भी सिचुएशन देखने को मिली। अगर की एलिमेंट की बात करें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करें, तो ये भी काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडियन ओशन में दोनों कंट्री मिलकर। दोनों कंट्री मिलकर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी की बात, अगर कोई ऐसी क्राइम एक्टिविटी होती है, टेररिज्म होता है, स्मगलिंग होती है, इलीगल फिशिंग होती है, तो ये तमाम मुद्दे हम लोग टैकल कर सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर। और इंडियन ओशन में ये काफी जरूरी भी है क्योंकि चाइना ऑलरेडी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इंडिया की पावर यहाँ पर ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ में अगर ह्यूमैनिटेरियन कोई क्राइसिस आता है कल को, यानी कि कल को कोई पर कोई साइक्लोन वगैरह आता है, सुनामी आती है, या फिर कोई एनवायरमेंट चैलेंज आता है इंडियन ओशन में, तो वो भी हम लोग मिलकर टैकल कर पाएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसी बात यहां पर ये बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं यहां पर एज ए इंडो पैसिफिक रीजन में। मेजर इनिशिएटिव कई सारे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिए गए हैं फिलहाल, अभी यह है साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है लगभग 2 बिलियन की, 2 बिलियन में सपोर्ट करेगा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासकर पैसिफिक कंट्री के लिए। और इसी के साथ में जो रियल टाइम सर्विलेंस यहां पर किया जाएगा, यानी कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगी तो सर्विलेंस जो रहेगा वो रियल टाइम रहेगा, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी हाँ कहां पर क्या कंडीशन है। तो इसी तरीके से यहां पर जो हम लोग एक तरीके से ट्रेन कर पाएंगे एक दूसरी कंट्री को और रीजनल सेंटर को सेफ भी यहां पर रख पाएंगे, जो पैसिफिक ओशन है उसको भी हम लोग सेफ रख पाएंगे, एक खासकर एक शांतिपूर्ण ढंग से इसको यूज कर पाएंगे। ये सारे मुद्दे एक दोनों की कंट्री के साथ मिलकर हम लोग पूरे कर सकते हैं। अगर बात करें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, तो भी काफी अच्छी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया यहां पर करने वाला है। साउथ एशिया इकोनॉमिक गवर्नेंस की अगर बात करें, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो यहां पर 121 मिलियन ये अभी बोल रहे हैं यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। लोगों से लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ी रही है, ऑलमोस्ट 90,000 जो इंडियन है आज के डेट में स्टडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 350,000 इंडियन ने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2018 में एज ए टूरिस्ट एक्टिविटी के थ्रू। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया थर्ड यहां पर बात कर रहा है कि ट्रेडिंग पार्टनर बनने वाला है 2035 तक, जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा। तो देखते हैं कैसे यहां पर ये पॉसिबल हो पाता है। और अभी जो एक्सरसाइज है जो कि सक्सेसफुली अभी दोनों कंट्री के बीच में देखने को मिली, ये और अच्छे रिलेशन हमारी फ्रेंडशिप को आगे ले जाने का काम करती है और इसी तरीके से हम लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये काफी फास्ट वे है और हम लोग को एक दूसरे को रिकॉग्निशन के साथ साथ में सपोर्ट भी करना चाहिए, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। तो अच्छे रिलेशन है यहां पर ये आज के में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आर्टिकल लिखा गया ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया, तो इसलिए सारी अच्छी अच्छी बातें यहां पर ये लिखकर चले गए, ऐसा अच्छा अच्छा यहां पर नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो इन्होंने बस जो दिखाने लायक बातें हैं बस वही दिखाई, बाकी ये चीजें छिपाकर चले गए। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात की जा रही है, अभी आज के दिन में अरब स्प्रिंग के बारे में बात की जा रही है, फिर से उभर कर आ रही है सूडान और अल्जीरिया के अंदर अरब स्प्रिंग। थी क्या? देखिए आप लोगों ने अगर पास्ट में पैटर्न देखा होगा तो एक पैटर्न हुआ करता था कि जो रूलर हुआ करते थे, यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो डिक्टेटर हुआ करते थे, यानी कि उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, उन्होंने जो कर दिया उसका एक तरीके से वही, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं था, एक तरीके से होल सोल अथॉरिटी हुआ करते थे, एक तरीके से अपने आप को संविधान वो माना करते थे, अपने आप को ही वो जज माना करते थे और अपने आप को एग्जीक्यूटिव, सारी जो आज के डेट में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो सारी चीजें थी वो एक ही पर्सन के अंदर रहा करती थी, वही सब कुछ यहाँ पर डिसीजन लिया करता था। तो ऐसा रूलर अगर ढंग का न हो तो क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं देखने को मिलेगी, लिबरल वहां पर जो राइट है वो नहीं देखने को मिलेंगे, कोई फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, अगर उसको बुरा लगा तो वो एक तरीके सबको गंजा कराना चाहे तो सबको गंजा करा देगा, सबके कपड़े उतरवाना चाहे तो सबके कपड़े उतरवा देगा, जिसको चाहे उसको फांसी चढ़ा देगा, जिसको चाहे उसको चौराहे पे खड़ा करके सर कलम करवा देगा, कोई उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला नहीं होगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे पास्ट में हम लोगों को देखने को मिले, जब काफी लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती रही, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, इकोनॉमी अच्छे लेवल पर नहीं बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन काफी लार्ज स्केल पर हो गया था, तो काफी उल्टी सीधी हरकतें सोसाइटी में चल रही थी, तो उन सबके चलते यहां पर अरब स्प्रिंग आई। उन्होंने क्या किया, डिक्टेटर रूलर को चेंज कर वहां पर बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे ऊपर उस इंसान को रूल करना है जिसको हम लोग चुनकर लाएंगे। तो ये तमाम जो मुद्दे देखने को मिले ये काफी बड़ी बात यहां पर निकल कर आई कि हां ऐसा कुछ होने वाला है। तो हुआ क्या, यहां पर ये टूनिसिया के अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई और फिर आगे चल के इजिप्ट और कई सारी कंट्री में यहां पर फैल गई, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिली यहां पर उस टाइम पर। रिसेंट में अभी ऐसा कुछ यहां पर सूडान और अल्जीरिया के साथ में देखने को मिल रहा है, उसको यहां पर कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ में, ये टूनिसिया और इजिप्ट के साथ में। अरब स्प्रिंग, ये जो अरब वर्ल्ड है यहां पर, ये सारा जो एरिया यहां पर आप लोग आज के में देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंट्री है ये पर्टिकुलर, तो इनके बारे में बात ये की जा रही है कि उस टाइम पर जो ऑटोक्रेटिक रूलर हुआ करते थे उनको डेमोक्रेटिक रूलर में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, यानी कि
जो जनता के द्वारा शासन यहाँ पर होना चाहिए, ना कि एक ऐसा इंसान बैठाना है जो कि डिक्टेटर का रोल प्ले करे। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। उसी के चलते अभी अल्जीरिया के यहाँ पर जो 20 साल तक रूल करने वाली पर्सनैलिटी दोनों ही कंट्री में, यानी कि अल्जीरिया में भी और सूडान में भी, तो अल्जीरिया में जिनको उठाकर फेंका यह अब्दुल अजीज बुतफ्लिका, जो 20 साल तक रूल किया, ओमर अल बसीर, तो यहां पर इनको उठाकर फेंका गया, जिनके लगभग 3 डेकेड, लगभग 30 साल के करीब यहां पर इनके द्वारा रूल किया। तो ये पैटर्न निकलकर ऐसा रहा जिसे टूनिसिया और इजिप्ट में देखने को मिल रहा था। 2010 के एयरफेयर में यहां पर इसी तरह कंडीशन बनी, जिसमें मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, यानी कि जनता के द्वारा यहां पर जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे उनको चेंज कर यहां पर डेमोक्रेटिक रूल लाने की कोशिश की गई, और ये मैसिव चेंज यहां पर निकल कर आया। ये बहुत बड़ी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, यानी कि जनता जो चाह रही थी वो चाह रही थी यहां पर कि उनके भी राइट की बात की जाए, उनके बारे में भी कोई सोचे, वो तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे थे। तो टूनिसिया और इजिप्ट का पैटर्न, जो कि टूनिसिया, इजिप्ट, लीबिया, ये सारी जो कंट्री में यहां पर एक कंडीशन देखने को मिली, जो कि ओल्ड ऑटोक्रेसी थी उनको हटाकर डेमोक्रेटिक रूल में लाने की बात की गई। तो अब फिलहाल जो एक कंडीशन फिर से निकल कर आ रही है, इसको अरब स्प्रिंग 2.0 बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर, यानी कि इसका सेकंड वर्जन है यहां पर, जो कि अभी सूडान और अल्जीरिया के अंदर देखने को मिला। एक बार आप लोग यहां पर इसके बारे में भी देख सकते हैं कहां पर यह कंट्री बनता है। ये हो गया यहां पर सूडान, जिसके बारे में बात की जा रही है, और ऊपर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है अल्जीरिया, ठीक है। तो यहां पर फिर से वो पुराना पैटर्न एक तरीके से यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अरब कंट्री हिल गई थी यहां पर 2010-11 की अगर बात करें, जब प्रोटेस्ट यहां पर किया गया, और उसी के साथ में मैक्सिमम अगर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं ऑयल के ऊपर काफी डिपेंडेंसी रहती है। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है इनकी इकोनॉमी का अप्स और डाउन होने का, क्योंकि यहां पर ऑयल का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इनकी कंट्री की इकोनॉमी की बल्ले बल्ले है, और अगर प्राइस घट रहा है तो उतना ही ज्यादा ये खस्ते हालत में, यानी कि इतना ही ज्यादा गड्ढे में चली जाती है। 2008 में जो ऑयल प्राइस था 140 के करीब यहां पर पहुंच गया, और 2016 में ये लगभग आप लोग देखते हैं $30 पर बैरल की उस पे आ गया। तो ये जो इतना अप्स डाउन होता है, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है और ऑयल इंपोर्टिंग जो कंट्री है, दोनों के ऊपर अलग ही तरीका पैटर्न यहां पर निकल कर आता है। यानी कि एक बहुत लार्ज स्केल का प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिला रिसेंटली, अभी जब टैक्स वगैरह बढ़ाए गए, इसके अलावा फ्यूल प्राइस जो काफी बढ़ गए, तो ये रीजन होते हैं जब सोसाइटी सामने निकल कर आती है, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करती है। इसी के चलते यहां पर आर्मी पिक्चर में आई, और आर्मी ने क्या किया, प्रेसिडेंट को हटाया और खुद पावर में यहां पर आ गई। तो ये जो कई तरीके इस तरीके कंडीशन बन रही है, और अब प्रोटेस्टर के द्वारा यहां पर जो काफी एंग्री थे, उन्होंने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की। तो इस तरीके सिस्टम के खिलाफ जो यहां पर अपराइजिंग ये निकल कर आती है, ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ये कंडीशन ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम अपना रूलर खुद चुनेंगे, और जो रूलर हम लोग चुनेंगे वही यहां पर लॉ एंड रेगुलेशन बनाएगा जो इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई भी आकर अपने हिसाब से दादागिरी यहां पर चलाएगा। तो इधर ऐसा कंप्लीट आर्टिकल देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग माइंड में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर डेटा की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो डेटा है वो काफी हद तक गवर्नमेंट के द्वारा छिपाया गया है। अब की बार देखिए, नॉर्मली क्या होता है, पास्ट में भी हर एक गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी हरकतें की गई हैं, डेटा को तोड़ मरोड़ कर सामने लेकर आया गया है, ताकि जो ग्रोथ है वो ज्यादा दिखाया जा सके। हाँ, अच्छा अच्छा सा फील कराया जाए कि हाँ, हमारी ग्रोथ अच्छी है, हमारी कंट्री में अच्छी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वो सारी बातें पास्ट में भी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। पर लेकिन पास्ट में जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, उन्होंने तोड़ मरोड़ के डेटा रखा जनता के सामने, पर डेटा रखा, इस गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्या कर दी, इस गवर्नमेंट ने डेटा ही छिपा लिया सारा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि देखिए, आज की डेट में जो हमारी कंट्री में ढंग का डेटा नहीं है, डेटा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और डेटा क्राइसिस जो देखने को मिल रहा है, बोला जा रहा है कि यहां पर ब्लेम जो लगाया गया, ये जो एकेडमिशियन है, उन्होंने फॉल्स यहां पर इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर दिए हैं। और सबसे बड़ा रीजन यहां पर क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है वहां पर वो डेटा को होल्ड किए हुए है, कोई भी रिपोर्ट यहां पर पब्लिक में सामने नहीं लाने दी गई, अनाउंस नहीं किया गया इंप्लॉयमेंट कितना है हमारी कंट्री में, जो कि यहां पर मुद्रा स्कीम के तहत बात की गई। नेशनल सैंपल सर्वे का जो अनइंप्लॉयमेंट का डेटा था, कितना इंप्लॉयमेंट है यहां पर, उसको भी यहां पर रोक के रख लिया गया। इसी तरीके सुसाइड कौन कर रहा है हमारी कंट्री में, ये भी यहां पर 2016 से डेटा पब्लिश नहीं किया गया। यानी कि किसान अगर सुसाइड कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कितने किसानों ने सुसाइड किया है, पता चलेगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अगर पता ही नहीं चलेगा तो प्रोटेस्ट कहां से कर लेंगे। तो ये कंडीशन देखने को मिली, इंप्लॉयमेंट, फार्मर सुसाइड, क्राइसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी जो कंडीशन है यहां पर बहुत लार्ज स्केल पर इनका डेटा यहां पर रोककर रख लिया गया। डीमोनेटाइजेशन किया गया हमारी कंट्री में, और गुड्स एंड सर्विस का जो यहां पर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला, जो दोनों चीजें यहां पर देखने को मिली। अच्छा, गुड्स और सर्विस इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किस दिन किया गया है, और उसको हम लोग एक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, उस डे का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो यहां पर आप लोग काउंट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि ठेले वाले, रेडी वाले, या फिर किसान जो जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनका जो डेटा है वो पिक्चर से निकाल दिया गया।
हमारे कंट्री में किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, पर लेकिन जो यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन की वजह से और जीएसटी को इंप्लीमेंट ये सारी चीजें देखने को मिली, इसकी वजह से जो चीजें निकल कर आई हमारी कंट्री में और ज्यादा प्रेशर पड़ गया यहाँ पर किसानों के ऊपर, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया और उनकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी इनकम डबल नहीं और आधी होने वाली है, ये बातें देखने को मिली। हमारी कंट्री में किसानों के द्वारा जो सुसाइड की जा रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो एनुअली डेटा कलेक्ट किया जाता था 2016 से उसको पब्लिश करना बंद कर दिया ताकि पता ही ना चले कितने किसानों ने यहाँ पर जान गई है। और देखिए अगर किसान ये बोले कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल, या अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोले सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो हम लोग उसको भी नहीं मान सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि खुद गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 रुपए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई किसानों को, तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, वरना सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ऐसे कोई बात ही नहीं था। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रॉमिस है वो ये भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर बात करें एमजी नरेगा के बारे में, तो इसकी अगर बात करेंगे तो 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ यहाँ पर इसका बढ़ा दिया गया, इसका जो आउटपुट था पहले क्या था यहाँ पर इसको बंद करने की भी बात कई बार की गई, पर अब यहाँ पर आउटपुट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई क्राइसिस फेस कर रहे हैं गरीब लोग। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि डेटा सामने न लाकर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि एक इतना नहीं है जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई लोगों को कर सके। आज की डेट में गवर्नमेंट जो एजेंसी है उसके सारे काम छीनकर प्राइवेट एजेंसी को दे दिए गए हैं लार्ज स्केल पर, और गवर्नमेंट एजेंसी ठप पड़ती हुई जा रही है, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर उभरते जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगा, पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट की जॉब काफी हद तक यहाँ पर कम कर दी गई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई काउंट ही नहीं कर रहा है, जीडीपी को यहाँ पर जो सामने निकालकर डेटा लाया जा रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप लोग काउंट नहीं करें तो कैसे आप लोग बोल सकते हैं जीडीपी का ये डेटा अच्छा है? इस तरीके से बार बार जो 7% जो ग्रोथ यहां पर रखा जा रहा है तो क्या ये रियल ग्रोथ है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और आप अगर आप लोग ऐसा लेकर चले, जैसे आप लोग मान लीजिए मॉल में जाते हैं, तो मॉल में क्या करते हैं, आप लोगों ने मान लीजिए साबुन खरीदे, आप लोगों ने 5 साबुन खरीदे, तो वो क्या करेगा, एक साबुन को यहां पर काउंट करेगा और उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो समझ में आता है कि 500 साबुन की वैल्यू बराबर है भैया, उनका वेट बराबर है, तो ये समझ में आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को न काउंट करके ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेस पर ही आप लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी जीडीपी काउंट करके पूरी जीडीपी निकाल रहे हैं, तो देखिए भैया ये इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते। इस तरीके से तो आप लोगों ने सब कुछ मिसमैनेज कर दिया, मिसमैच हो रहा है आप लोगों का सब कुछ। अगर जो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये जो 7% का ग्रोथ बोल रहे हैं ना, ये भी वही डेटा उठाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, खुद से वो एनालिसिस नहीं करते हैं, तो इनके द्वारा भी जो ग्रोथ है वहां पर वो सही ग्रोथ आप लोग नहीं बोल सकते। आज की डेट में जो फिस्कल डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर का अप्रूवल है, रिवेन्यू या फिर एजुकेशनल हेल्थ, ये सारे डेटा पास्ट में भी गवर्नमेंट के द्वारा मैनिपुलेट किया गया, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट नहीं किया गया, पर लेकिन डेटा को होल्ड किसके द्वारा नहीं किया गया, जो इस तरीके से डेटा को होल्ड किया गया है ये सबसे खतरनाक सिचुएशन यहां पर हो गई क्रिएट। अगर इस तरीके से आप लोग होल्ड करेंगे तो आरबीआई के जो टारगेट्स हैं वो भी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, ढंग के टारगेट नहीं है, तो देखिए कहीं ना कहीं पॉलिसी और जो क्रेडिबिलिटी है दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है अगर डेटा नहीं है। अगर आप लोग डेटा यहां पर प्रोवाइड कराएंगे तभी सारी सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पाएंगे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर बोली जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है हीट वेव के बारे में, गर्मियां आ रही हैं, काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। राजस्थान में देखें तो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट आप लोगों को देखने को मिलेगी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो हीट वेव है वो देखने को मिलती है। अगर बात करें इसकी वजह से काफी सिचुएशन क्रिएट होती है, हर एक लेवल पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, तो क्या क्या बातें यहां पर उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। तो सबसे पहले बात यहां पर हीट वेव के बारे में बात की जा रही है, पहले जो हीट वेव हुआ करती थी उनकी संख्या अभी आकर काफी बढ़ गई है, अगर आप लोग 17 और 18 में देखेंगे तो, पर लेकिन उनसे जो होने वाली जो डेथ है वो यहां पर रिसेंटली अभी कम हो गई है। जो हीट वेव से जो पहले डेथ हुआ करती थी और जो यहां पर कोल्ड की वजह से जो डेथ हुआ करती थी वो अब कम हो गई है पहले के कंपेयर में, ये एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे कई सारे मेजर्स हमारे द्वारा उठाए गए हैं ताकि प्रॉब्लम यहां पर कम क्रिएट हो। और दोनों तरीके से हीट वेव के द्वारा जो जाने जाती है किस एरिया में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और कोल्ड वेव से किस एरिया में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ये दोनों डेटा यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे गए हैं, तो हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये डेटा आप लोगों को फायदा जरूर पहुंचाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर अभी जो सीरियल ब्लास्ट देखने को मिले श्रीलंका के अंदर, उसको कंपेयर किया जा रहा है न्यूजीलैंड के अंदर जो ब्लास्ट थे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो टेररिस्ट थे उनकी जो इमेज है, टेररिस्ट के द्वारा जो एजेंडा है वो मीडिया में नहीं सामने रखा गया, क्योंकि देखिए उनका एजेंडा ये रहता है कि मीडिया ज्यादा से ज्यादा कवर करे ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी को, और वो सामने निकल कर आए और लोगों में दहशत बने। तो अभी जो बोला गया है यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा ये बोला गया है कि बिल्कुल सिमिलर तरीके कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली जो कि न्यूजीलैंड में देखने को मिली, तो उसी के साथ में कंपेयर इसको किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, 3 मेंबर की कमेटी यहां पर बनाई गई है जो यहां पर अभी बात की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर जो सेक्सुअल असोल्ट का आरोप लगाया गया उसका ये एनालिसिस करेगी। तो यहां पर जो इसको हेड करेंगे ये है जस्ट इनका नाम है एस ए बोबडे, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं ये अब इसके
ताकि यहां पर अगर बात करें कुछ भी तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बोला जा रहा है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी कंट्री में ये काफी कम होता जा रहा है जब से हम लोग ब्लैंकेट बैन लगाते जा रहे हैं जो प्राइस कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं अलग अलग एरिया में, तो उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिल रही है। आज की डेट में 66 मिलियन के करीब हमारा हो गया है जो कि 2017 में 184 मिलियन हमारा ये एफडीआई हुआ करता था। रीजन क्या है, सेंटर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हर एक तरीके से, इसलिए ये सिचुएशन यहां पर निकल कर आ रही है। आगे अगर बात की जाए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ब्रिटेन की विजिट पर जाने वाले हैं, काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, देखते हैं क्या बातें निकल कर आती हैं। किम जोंग उन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने रशिया पहुंच रहे हैं, तो देखते हैं क्या सिचुएशन निकलेगी, ये भी बड़ी बात है। जापान के सॉफ्ट बैंक ने बोला है कि वो हमारी कंट्री की जियो रिलायंस के अंदर 2 से 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑयल प्राइस की बात करें तो नवंबर से लेकर अब तक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए ऑयल प्राइस, जो कि अभी रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिला, वॉशिंगटन ने जब अनाउंस किया कि ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शन है वो बढ़ाए जाएंगे, तो ये 74 यहां पर डॉलर पर बैरल पहुंच गया है, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी बात करें अगर वोट की, तो अगर इंसान के हाथ नहीं है तो पैरों से भी जाकर यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर मतलब वोट डाला जाएगा तो जो निशान लगाया जाता है उंगली पर हाथ की, वो पैर के अंगूठे पर निशान यहां पर लगाया जा रहा है। अच्छा, हाथ की कौन सी उंगली पर निशान लगाया जाता है जब आप लोग यहां पर वोट डालने जाते हैं? ये जो वोट डालने गए हैं कम से कम उनको तो पता ही होगा, आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं स्लोवेनिया के बारे में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, यहां पर हंगरी हो गया, तो ये हो गया क्रोएशिया, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर जो ये आप लोगों के सामने है, अगर इसको इंडिया के कंपेयर में आप लोग देखेंगे तो यहां से आप लोग इसको देखेंगे तो ये हमारी कंट्री हो गई, आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा ये वाला यूरोप के अंदर एरिया, ठीक है ना। अगर बात करें यूरो होगी यहां पर इसकी करेंसी ओलेबियाना, अगर इसकी बात करेंगे तो ये होगी आप लोगों के सामने इसकी कैपिटल। आइए बात करते हैं क्विज के बारे में, जिसका आंसर आप लोगों को देना है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो AUSINDXEX2XIS अभी देखने को मिली, ये कहां पर हुई ये आप लोगों को बताना है अप्रैल के महीने में। 3 मेंबर की कमेटी जो कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस देखने वाली है, ये किसके द्वारा हेड की जा रही है? अगर प्राइस कंट्रोल की बात करें तो हमारी कंट्री में एफडीआई कितना कम हो चुका है, अगर बात करें आप लोग 2016 के कंपेयर में आज की डेट में, खासकर किसमें, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मेडिकल डिवाइस जो हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसके अंदर बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों को यह बताना है कि हमारी कंट्री में अगर एफडीआई की बात करें उसके बारे में बात की जा रही है, तो 100% एफडीआई कब अप्रूव की गई थी मेडिकल डिवाइसेस में, ये आप लोगों को बताना है। नॉर्थ कोरिया के लीडर यहां पर अभी बात कर रहे हैं रशिया के साथ में बात कर रहे हैं अभी कॉन्टैक्ट करने की, तो कहां पर ये मीटिंग होगी, रशिया के अंदर या फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर? सॉफ्ट बैंक के द्वारा यहां पर 2 से 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, किस कंपनी के अंदर? नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप लोगों को बताना है, और सूडान के प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिनको अभी पिक्चर से उठाकर फेंका गया है बाहर, तो नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम, इसके साथ में फेसबुक और टेलीग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और देखिए अगर लेक्चर पसंद आता है तो शेयर जरूर किया कीजिए। मेरा काम खत्म हो जाता है आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाने के साथ में, अब आप लोगों का काम है यहां पर इसको आगे पूरी जो भी लोग यहां पर कम से कम उन तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, ओके, तो शेयर करना मत भूला कीजिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।